झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने सहायक अभियंता नियुक्ति मामले में बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत 29 जून को अब अपना फैसला सुनाएगी। प्रार्थी हंसराज और रविशंकर सिंह की ओर से कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा गया है कि जेपीएससी ने नियमानुसार कुल पदों के 2.5 गुना अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में नहीं बुलाया। इस पर जेपीएससी का कहना है कि दोनों पेपर में क्वालिफाई होने वाले अभ्यर्थियों को ही साक्षात्कार में बुलाया गया है। उसके बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। सहायक अभियंता का है, इसमें कोर्ट ने पूरा बहस सुन करके इसको रिजर्व कर लिया 29 जून के लिए, और हम लोगों ने अपना पक्ष रखा इस विषय में कि मेंस में जो लोग उत्तीर्ण हुए थे सेक्शन वन जो है खंड एक जो है उसमें 3 पेपर हुआ करते हैं, और 3 पेपरों में 600 मार्क्स में जो उनके ओमआर शीट जो कार्बन कॉपी उनको मिलती है उनसे उनको मिलान किया गया मॉडल आंसर की जो जेपीएससी ने खुद दिया था। तो मिलान करने से यही प्रतीत होता है कि जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो 2012 के नोटिफिकेशन में दर्ज है, जैसे एसटी कैटेगरी में 32% और ईडब्ल्यू में 40%, तो वो लोगों ने 600 में ही स्कोर किया है, और बाकी सेक्शन 2 का जो पेपर चेक होगा आफ्टर पासिंग द सेक्शन 1 पेपर। तो वैसे स्थिति में जब इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया था जहाँ पर देखा गया कि 299 कैंडिडेट्स को कम बुलाया गया इंटरव्यू में, तो इससे ये समझ में आया कि इंटरव्यू में चाहते तो 2.5 के टाइम्स के तर्ज पे लोगों को जो बुलाना था इंटरव्यू में वो मापदंड लोगों ने नहीं निभाया जेपीएससी ने, और जेपीएससी का जो आर्गुमेंट कोर्ट में आया था कि एग्रीगेट मार्किंग करके लेते हैं, तो ये चीज़ एडवर्टीजमेंट में कहीं लिखा हुआ नहीं था, और ना तो पीछे उनका प्रचलन रहा है और ना ही जो नया जेपीएससी रूल्स जो बना है उसमें एग्रीगेट करने का ही प्रावधान नहीं था। तो इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने आर्गुमेंट किया, कोर्ट ने बहस सुना और 20